दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो को लेकर सो आज हम बात करने वाले हैं एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक पावर्स के बारे में। सो आप लोग इसे देख रहे होंगे कई दिन से ये रैली कर रहा है। पिछले दिन ये अप्रॉक्स चल रहा था 4 जुलाई को 120-130 अप्रॉक्स चल रहा था और इसका जो हाई लगा के आया है वो 240 तक का आराम से लगा के आया है। सो इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ये न्यूज़ में चल रहा है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यह रैली खाली देखने के लिए हम लोग या फिर इसमें हम लोग अपना लगा के कुछ निकाल सकते हैं। सो बने रहे इस वीडियो में और बात करते हैं कि अगले मोमेंट्स और टारगेट्स क्या होने वाले हैं और जो लोग अभी इसमें लिए बैठे हैं उनके लिए आगे क्या होने वाला है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये 15 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट इसके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1, 2, 3, 4, 5 बार सपोर्ट लेके जा चुका है। और करंटली जो पिछले 2 दिन की मार्केट वहाँ पे देखिए जब अब यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हुए लेकिन तब भी उन लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोजेक्शन देखने को मिला। इसके बाद जब कल का डे में जब बायर्स एक्टिव हुए बायर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया पूरी मार्केट में तो भी यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करने को मिला है। सो हम लोग को इसमें क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी इसमें किसी भी तरह का कोई डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होने वाला है और इसमें भी प्राइसेस और ऊपर जाने वाले हैं। जिनके पास पहले से ये चीज़ें रखी हुई हैं वो अभी इसको 222 तक का होल्ड कर सकते हैं और अगर जिनको अभी फ्रेश एंट्री बनानी है वो 220 के बाद बनाएंगे लेकिन जिनके पास पहले से है वो उसको 222 तक आराम से होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ तक जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं सेफ एंट्री है। उसके बाद भी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इसको आराम से 240 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर जिसको फ्रेश एंट्री बनानी वो एंट्री बनाएगा 223 के बाद मतलब 223 एग्जैक्ट पे बनाएगा और 240 तक लेके जाएगा अगर उसको स्विंग ट्रेडिंग में लेके जानी है। ये सारे लेवल्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए हैं जिन लोगों को छोटे टाइम पीरियड में इसको रखना और निकालना है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं वो तो इसको अभी आराम से 216 और 218 पे भी बाय कर सकते हैं। उन लोगों के लिए अभी भी बाइंग चालू है लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए फ्रेश एंट्री बनेगी 222 के बाद और जो अभी जिनके पास है वो 222 पे उसको एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे पहले से अगर एंट्री बनाई होगी अप्रॉक्स 165 या फिर 183 कहीं भी बनाई होगी तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चीज़ मिल गई होगी जितना आपको चाहिए होगा। और अगर आप इसका वो देखना चाहें स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा बस 197 होना चाहिए। 177 के नीचे आपका नहीं जाना चाहिए क्योंकि 197 के नीचे जाएगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छा पुल डाउन देखने को मिलेगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो 197 से पहले पहले मार्केट वो निकलने की कोशिश करिए। अगर आपका 197 हर हालत में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 197 के नीचे जाता है तो पूरी तरीके से आप ट्रेड कर दीजिएगा। और अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है, हम लोग एंट्री बनाएंगे 222 के बाद और अपने टारगेट रखेंगे 243। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। उसी तरीके से जिस स्टॉक्स में मोमेंटम आता है हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।